वी जयंती है भारत रत्न और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की। और एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कार्यक्रम में शिरकत करके उनको याद किया, वहीं दूसरी ओर झारखंड की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी उनको नमन किया गया, उनको याद किया गया। आपको बताना चाहेंगे जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में सीवान के जीरादेई में हुआ था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान राजेंद्र बाबू ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और महात्मा गांधी ने उन्हें अपने सहयोगी के रूप में चुना था और साबरमती आश्रम की तर्ज पर सदाकत आश्रम की एक नई प्रयोगशाला का दायित्व भी उनको सौंपा था। 1962 में राजेंद्र बाबू को भारत रत्न से नवाजा गया था। सही में वो भारत रत्न ही थे। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पटना और रांची में, दोनों जगहों पर बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्री ने उनको याद किया, उनको नमन किया, उनको माल्यार्पण किया। लेकिन दुखद पहलू एक ये भी है कि जिस गांव में जन्म हुआ था जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वहां पर क्या स्थिति है। दरअसल ग्राउंड पर जाकर जी बिहार झारखंड की टीम ने जानने और जांचने की कोशिश की, लोगों से बात की कि क्या हालात यहां पर हैं, तो थोड़ा देखा जाए तो बदहाली सी वहां पर दिखाई दी। बड़े बड़े नेता, प्रशासनिक अधिकारी लगातार दावे तो करते रहते कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। 2010 में जीरादेई पहुंचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीरादेई को पर्यटन स्थल बनाने की उस वक्त घोषणा की थी, लेकिन ये घोषणा अधूरी रह गई। पैतृक आवास से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित राजेंद्र पार्क की हालत भी अगर की जाए तो वो भी बदतर है, वो भी बेहतर नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मभूमि है। यहाँ सब लोग देश के कोने कोने से आते हैं और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, उनका नाम ही रह गया केवल। हम लोग को इसके लिए बहुत तकलीफ दुख है। यहाँ मैंने सौंदर्य हो, सफाई हो, व्यवस्था हो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है और वैसे में जो हम इस वक्त मौजूद हैं उनके जन्म स्थली और उनके पैतृक आवास पर, यहाँ पर कुछ ही देर बाद जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और माल्यार्पण करेंगे। वैसे में हम आपको कुछ तस्वीरों दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ये जो देख रहे हैं उनका आवास है और ये जो आप शीशे के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर जो महात्मा गांधी थे वो यहाँ पर जब आते थे तो इसी बिस्तर पर बैठा करते थे, वो वहाँ पर विश्राम करते थे। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कमरा है, आप इसमें लिखा हुआ देख भी रखते हैं, रूम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ये वही कमरा है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते थे और अपने कामों को किया करते थे। क्या लगता है जो जीरादेई वो बनना चाहिए वो बन पाया क्या? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर्यटन स्थल घोषित किए हैं, आज तक ले करीब 6-7 साल हो गए, आज तक ले इस पर कार्य नहीं हुआ है। जो कुछ भी होना चाहिए यहाँ पे, जैसे पर्यटक स्थल का मांग था या हमारे पूर्व सांसद महोदय श्री ओम प्रकाश जी ने इसको गोद भी लिया था कि मतलब इसमें कुछ नई योजनाएँ दी जाएगी, लेकिन आज तक जो कुछ भी दिखा वो धरातल पर दिखा नहीं, केवल कागजों और फाइलों में ही सिमट के रह गया। कुल जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके अंदर मायूसी है क्योंकि जो वादे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया गया। जो राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली के लिए जो सपना देखा गया था वो पूरा नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन मनु के साथ अमित सिंह, जी मीडिया, सिवान। राजेंद्र बाबू का जन्म तो सिवान में हुआ था लेकिन उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा यानी 10वीं की परीक्षा जो पढ़ाई की थी वो छपरा में की थी, जिला स्कूल में उन्होंने की थी। और जब उन्होंने परीक्षा दी तो उनके परीक्षक ने एक रिमार्क लिखा था, उसमें लिखा था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। इसका मतलब ये कि जो परीक्षक से बेहतर परीक्षार्थी है, यानी जिसने पर्चा लिखा है, परीक्षा दी है, वो ज़्यादा बेहतर है। आज की तारीख में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते, न सिर्फ शिक्षक के तौर पर, न सिर्फ विद्यार्थियों के तौर पर। ऐसा ही किस्सा और ऐसी ही एक कहानी को समेटे हुए ये खबर पूरी देखिए और समझिए राजेंद्र बाबू की जो प्रतिभा थी, जो विलक्षण प्रतिभा के उद्धनी थे वो पहले से ही पता चल गई थी। ये वही स्कूल है जहां से देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मैट्रिक तक की शिक्षा हासिल की और आज ये स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जिस स्कूल का स्वर्णिम इतिहास था उसका वर्तमान बदहाल है। हाल ये है कि स्कूल में पढ़ाई की बेसिक सुविधा तक मौजूद नहीं। स्कूल में राजेंद्र बाबू की प्रतिमा जरूर स्थापित कर दी गई
लेकिन उसे बस जयंती के मौके पर खोला जाता है। छपरा के जिला स्कूल में सालों भर कैद रहते हैं देश रत्न। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा है और इस विद्यालय के धरोहर के रूप में इन्हें जाना जाता है क्योंकि इस विद्यालय के वो छात्र रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में आप देखेंगे मुख्य गेट ये है जो हमेशा बंद रहता है, मतलब राजेंद्र प्रसाद देश रत्न जो है हमेशा ये कैद रहते हैं और याद आते हैं केवल जयंती और पुण्यतिथि के दिन। जिला स्कूल में वैसे तो नए और पुराने मिलाकर लगभग 40 कमरे हैं, पर अधिकतर कमरों में विभागीय ऑफिस का काम होता है और बची कसर शिक्षा विभाग के कार्यक्रम पूरा कर देते हैं। देखिए ये दुर्भाग्य है, सरकार को और भारत सरकार को दोनों को चितना चाहिए, कम से कम ये अपना ऑफिस का व्यवस्था तो करें। जहाँ राजेंद्र बाबू पढ़े हुए हैं, जिन्होंने देश को संविधान देने का काम किया, जिन्होंने देश को मार्गदर्शन देने का काम किया, दुर्भाग्य है कि उन्हीं की प्रतिमा के बगल में सब लोग जो है चुकी कर रहे हैं, ऑफिस चला रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए, ऑफिस अपना बिहार सरकार अलग व्यवस्था करे। गर्व की अनुभूति होती है कि जिस विद्यालय में देश के प्रथम राष्ट्रपति महामानव इनको कहेंगे राजेंद्र बाबू पढ़ाई किए थे, उसमें हम लोगों को पढ़ने के साथ ही आज पढ़ाने का भी मौका मिला है। ये बहुत ही हम लोगों के लिए गर्व की बात है और राजेंद्र बाबू की कही बातों को आत्मसात तो सभी को करनी चाहिए। इसी स्कूल से पढ़ते हुए राजेंद्र बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा दी और जिन अंग्रेज परीक्षक ने कॉपी जांच की उन्होंने लिखा, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। समझ सकते हैं राजेंद्र बाबू पढ़ाई में कितने तेज थे। कैद नहीं रखा जाता है, वैसी बात नहीं है कि कैद रखा जाता है। यहाँ पर कुछ परिस्थिति ऐसी आई है जिसके चलते यहाँ नाला बन गया, वो नाला को भरना है और फिर पेड़ काटना है और इस गेट को चलाना है। समय रहते अगर शिक्षा विभाग ने शिक्षा के इस मंदिर को संरक्षित नहीं किया तो वो दिन भी दूर नहीं जब गौरवशाली अतीत वाला ये स्कूल इतिहास के पन्नों में दफन हो जाए। जरूरत है इसे सजाने और संवारने की, जिससे छात्रों को राजेंद्र बाबू की तरह बनने की प्रेरणा मिले। हम हैं अभी छपरा के जिला स्कूल में। यह जिला स्कूल इसलिए खास है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ से इंट्रेंस की परीक्षा दिए थे और उसी परीक्षा में एग्जामिनर ने यह लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर दैन एग्जामिनर। हम उसी कैंपस में खड़े हैं, आप देख सकते हैं इस कैंपस को सजाने संवारने के लिए लाखों रुपये खर्च किए गए हैं, करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए गए हैं और आप देखेंगे कि ये सामने पब्लिक पार्क बना दिया गया है, जबकि कई विद्वान लोगों का ये मानना है कि विद्यालय कैंपस में पब्लिक पार्क नहीं होना चाहिए, लेकिन जगह के सदुपयोग के नाम पे विद्यालय की भूमि का अतिक्रमण करने का जो सिलसिला है कहीं ना कहीं इस गौरवशाली अतीत को जो है मिटाने का प्रयास लग रहा है, जिस पर बुद्धिजीवियों ने चिंता जाहिर की है, परंतु विभाग जो है इस मामले में किम कर्तव्य विमूढ़ बना हुआ है। कैमरा पर्सन धनंजय कुमार गोलू के साथ राकेश।